सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। नाम से ही पता चलता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल लेवल पर है, राइट। मैंने इसका डिस्टिंग्विश बना दिया एकदम इफेक्टिव मैनर में, वेरस इसका डिस्टिंग्विश ऑलरेडी आके गया है, बट कुछ हाल ही में इसमें अमेंडमेंट्स आए थे, रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, उन अमेंडमेंट्स को मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो आपको, आप जब तक नया अमेंडमेंट नहीं आता तो आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सारे अमेंडमेंट कवर हो चुके हैं। ये डिस्टिंग्विश इज कम्प्लीटली अपडेटेड, राइट। तो CIC एंड SIC को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, रिपीट हो भी जाता है, कि रिपीट होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली अमेंड हुआ था, तो फिर उस केस में आप ये डिस्टिंग्विश आँख बंद करके लिख सकते हो। डिस्टिंग्विश नहीं भी आया, शॉर्ट नोट भी आया, तो सिर्फ SIC लिखना या फिर CIC लिखना, राइट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म CIC का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बराबर। अच्छा, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है CIC को, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैसे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास कर गया। और SIC को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, कैसे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके। अब इस CIC के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब मिनिस्टर्स कितने रहेंगे, ऑफिसर्स कितने रहेंगे, कमिश्नर्स कितने रहेंगे, तो CIC की अगर बात करें तो एक रहेगा, देर विल बी वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट मोर देन 10। तो भाई क्या रहेगा, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दूसरा 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। और SIC का क्या हाल है सर, SIC में रहेगा एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड बाकी के 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट मोर देन 10, बराबर। अब इन कमिश्नर्स को, इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करेगा, तो CIC की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और अगर SIC की बात करूँ तो उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा। और अगर उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो क्या डायरेक्टली अपॉइंट करेगा, नहीं, प्रेसिडेंट एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि उस कमेटी में कौन रहेगा, तो उस कमेटी में देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहेगा चेयरमैन, बराबर। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन है उनके अलावा एक मेंबर रहेगा ऑपोजिशन पार्टी का लोकसभा का, तो एक मेंबर रहेगा ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेंबर रहेगा कांग्रेस गवर्नमेंट का, राइट। एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, UCM, मतलब एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेगा, और ये सब लोग मिलकर चेयरमैन मतलब प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद ऑपोजिशन मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, ये तीनों मिलकर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई देखो ये बराबर बंदा है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, या फिर ये बराबर बंदा है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। सिमिलरली स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए किसका अप्रूवल लगेगा, किसका कंसेंट चाहिए रहेगा, तो गवर्नर का कंसेंट चाहिए रहेगा। डायरेक्टली अपॉइंट करेगा नहीं, फिर से कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, वही कमेटी का जो SIC में पड़ी थी, नहीं यहाँ पे कमेटी अलग है। इस कमेटी का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहेगा, चेयरमैन के अलावा मतलब चीफ मिनिस्टर के अलावा इस कमेटी में एक ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर रहेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ऑपोजिशन पार्टी बैठेगी तो उसका एक मेंबर रहेगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, कैबिन मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जिसको चीफ मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे लोकसभा का ऑपोजिशन मिनिस्टर है यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑपोजिशन मिनिस्टर है, बाकी सब कुछ सेम है, बराबर। अच्छा, उसके बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, चीफ लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पर हो, ये कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। भाई 65 साल के बाद, एक चीज़ याद रखना, 65 साल के बाद इनको अपॉइंटमेंट का चांस नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये बात इधर भी दी हुई है, SIC में भी दी हुई है। प्लस क्वेश्चन आता है कि भाई
जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो ऑफिस कब होल्ड करेगा, तो 65 साल के बाद ही होल्ड करेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 65 ईयर्स। बाकी लोगों का क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का क्या सर? तो दे विल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 65 ईयर्स तक, विच एवर इज अर्लियर। सिमिलरली जो स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे तब तक, या फिर 65 साल तक, दोनों में से जो पहला आया। रीअपॉइंटमेंट हो पाएंगे क्या सर? वापस मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता हूँ या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता हूँ क्या? नहीं, तो नो रीअपॉइंटमेंट, नो रीअपॉइंटमेंट, बराबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लो कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो 65 साल का हो गया है, उसने 65 साल ख़त्म कर लिए है, तो क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है क्या सेंट्रल लेवल पे? तो आंसर इज येस, ये अमेंडमेंट पार्ट है। क्या कि भाई एवरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोवाइडेड 5 साल के लिए। अब 5 साल में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो 5 साल में वो जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर था वो भी पीरियड इंक्लूड होगा, और अगर मान लो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाता है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो 5 ईयर्स इज एग्रीगेट ऑफ हिज पीरियड फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मान लो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 3 साल के लिए था तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2 साल के लिए बन पाएगा। मान लो वो 2 साल के लिए था तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 3 साल के लिए बन पाएगा। मान लो अगर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 4 साल के लिए था तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 1 साल के लिए बन पाएगा, समझा? क्योंकि जो 5 साल है, दैट 5 साल इज एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ड्यूरेशन और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ड्यूरेशन, दोनों को मिलाकर 5 साल है। और यही सेम इधर भी अप्लाई होता है, राइट? तो पहले ये पढ़ना, पहले ये साइड का पढ़ना और फिर ये पढ़ना, दोनों के लिए सेम ही है वो। अच्छा ये सर CIC ये सब है कहाँ पे इंडिया में? तो CIC दिल्ली में, और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे SIC कहाँ पर है? तो जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो RTI का हेडक्वार्टर बॉम्बे में, राइट? अच्छा उसके बाद जैसे ये लोग ऑफिसर्स बनेंगे, कमिश्नर्स बनेंगे, तो इनको प्रेसिडेंट के सामने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कि भाई हम विधि द्वारा स्थापित किए हुए शपथ लेते हैं कि सच्ची निष्ठा प्रतिष्ठा से हम हमारी ड्यूटीज़ को डिलीवर करेंगे। तो इनको प्रॉमिस लेनी पड़ेगी। और शेड्यूल 1 में जो पर्पसेस के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है, शेड्यूल 1 में जिन पर्पसेस के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है उन पर्पसेस को लेकर ये कसम लेंगे। फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहने दो, या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहने दो, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहने दो, तो ये सब्सक्रिप्शन होगा इनका। सर इनको सैलरी कितनी मिलेगी? तो पहले सैलरी को लेकर डिटेल दिया होता था कि भाई जितनी इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होगी वही इतनी इनकी भी सैलरी होगी। अब ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा उसके हिसाब से। और यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या सैलरी मिलेगी? सेम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा वो मिलेगी। फिर कुछ पावर्स दिए हुए हैं जो दोनों के सेम है। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने RTI को लेकर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने RTI को लेकर क्या रोल्स प्ले किए हैं या क्या रोल्स प्ले कर सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि RTI में से क्या क्या इंस्टीट्यूट तुमको पूछ सकता है। पहला RTI के फीचर्स पूछ सकता है, तो अभी तक कभी पूछे नहीं है। RTI एक्ट का बैकग्राउंड पूछ सकता है, याद है वो लोकसभा राज्यसभा का डेट, वो पूछ सकता है जिसके चांसेस कम है एनी विच वे। ड्यूटीज़ ऑफ PIO पूछ सकता है जो आया नहीं है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी पूछ सकता है जो आया नहीं है। मैनर इन विच इंफॉर्मेशन नीड टू बी सबमिटेड पूछ सकता है जो आया नहीं है, राइट? CIC SIC अमेंडमेंट पार्ट अभी तक तो पूछा ही नहीं है क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया है, तो शायद वो पूछ सकता है, राइट? सो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना। किन क्वेश्चंस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है? तो सेक्शन 8 हुआ, अपीलेट अथॉरिटी हुआ, मतलब अपील करने के जो प्रोविजंस हुए वो हुआ,
क्योंकि ये सब आके गए हैं, ये क्वेश्चंस आके गए हैं। सीआईसी और एसआईसी क्वेश्चन भी आके गया था, बट वो जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब आके गया था। अब अमेंडेड बात पूछ सकता है इंस्टीट्यूट ये देखने के लिए कि तुमको आता है कि नहीं आता है, राइट? सो दिस वॉज आरटीआई एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, पॉपुलरली नोन एज सीपीसी 1908, इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज अच्छा खासा है, 8 to 12 मार्क्स का वेटेज आप पकड़ के चल सकते हो इस चैप्टर में से। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से जो ऑलरेडी आकर गए हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट से जो आ सकते हैं, ये मेरा टैगलाइन ही पकड़ लो, मैं ये हर वीडियो में बोल ही रहा हूँ तुमको कि कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी आ चुकी हैं और कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है और कुछ आ सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड अगर सिंपल उसको मुझे रखना है कि क्यों बनाया है, तो इंडिया में जो हमारे कोर्ट्स हैं, फिर वो क्रिमिनल कोर्ट हो या सिविल नेचर के कोर्ट हो, ये लोग एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इरिस्पेक्टिव इट इज़ अ क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, एवरी कोर्ट दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर। जैसे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर उसके बाद की क्या कहानी है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद सिविल सूट कैसे अराइज होगा, सिविल सूट फाइल करने के बाद सिविल कोर्ट कैसे उस केस को प्रोसीड करेगा, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे आईपीसी में मर्डर डिफाइन किया हुआ है, आईपीसी में फॉर्जरी डिफाइन की हुई है, आईपीसी में क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन किया हुआ है, आईपीसी में चीटिंग डिफाइन की हुई है, बट ये सारी चीज़ें होने के बाद, मर्डर होने के बाद, किडनैपिंग होने के बाद, फॉर्जरी होने के बाद का क्या, आगे का क्या प्रोसीजर है, वो हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर सब्सटैंटिव लॉ जो राइट्स डिफाइन करता है उसके लिए एक प्रोसीजरल लॉ होता है जो ये बताता है कि अगर वो राइट्स का वायोलेशन हुआ तो क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो जो रिलीफ क्लेम करने का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग प्रोसीजरल लॉज में पढ़ते हैं, और सीपीसी एज द नेम सजेस्ट, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द प्रोसीजरल पार्ट विच कोड फॉलोज व्हेन देयर इज अ वायोलेशन ऑफ सब्सटैंटिव राइट्स। क्या क्या चीज़ें काम की है, तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है या फिर रिसेंटली एग्जाम्स में पूछ चुका है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि अब आएगा, अब पूछेगा इंस्टीट्यूट, अब पूछेगा, बट अब तक नहीं पूछा है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आकर गए हैं, तो एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लिए। लेट्स स्टार्ट विद कॉज ऑफ एक्शन। हम लोग पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर इक्वली कॉन्सेप्ट्स पे जंप करेंगे, एंड ऐसा करके जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को निपटा देंगे। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट रीजंस ऑफ डिस्प्यूट, इट इज नथिंग बट रीजंस ऑफ डिस्प्यूट। कॉज ऑफ एक्शन वो हर एक फैक्ट होता है जो प्लेंटिव कोर्ट में बताना चाहता है या प्लेंटिव कोर्ट में प्रूव करता है, जिससे ये शो होता है कि उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्यों केस किया है, उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्यों केस फाइल किया। तो कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट दैट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिव टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अपना साइड प्रूव करने के लिए, अपना एंगल प्रूव करने के लिए वो सारे फैक्ट्स उसको जो कोर्ट में सबमिट करने रहते हैं उसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में कि क्या ऐसी रीजंस आ पड़े कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ, या क्या ऐसे कॉज अराइज हुए जिसकी वजह से तुमने ये एक्शन लेना डिसाइड किया कि मुझे केस करना, तो वो सारी चीज़ें प्लेंटिव को कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती है, उसी को ही कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। आने के चांसेस है सर थोड़े से कम है, तो तुम सिर्फ एक जनरल चीज़ें जो हैं इस कॉज ऑफ एक्शन को लेकर वो दिमाग में रखना। फिर आता है आपका डिक्री। अब काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं समझता कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या फ़र्क है, तो मैं एक एक करके फटाफट तीनों के बीच का फ़र्क बताता हूँ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक तरीके का इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन होता है जो पार्टीज़ को कंप्लाई करना पड़ता है, पार्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो मैंडेटरी है। ऑर्डर इज़ समथिंग विच इज़ नथिंग बट अ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री एंड पार्टीज़ हैज़ टू फॉलो इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जब तक केस खत्म नहीं होता दोनों पार्टीज़ शहर छोड़ के, सिटी छोड़ के नहीं जा सकते,
जब तक ये केस खत्म नहीं होता दोनों पार्टीज स्टेट छोड़ के नहीं जा सकते। दोनों पार्टीज को नेक्स्ट हियरिंग में अपने 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 रिस्पेक्टिव विटनेसेस को बुलाना है, या फिर जब तक केस खत्म नहीं होता एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ रह नहीं सकता। जब तक केस खत्म नहीं होता एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक एक्स अमाउंट पे करता रहा। ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रक्शंस है जो पार्टीज को फॉलो करना है, और इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम ऑर्डर कहते हैं, राइट? अब अगर ऑर्डर फाइनल नेचर का है, मतलब वो ऑर्डर जिससे केस खत्म हो जाता है, जिसके बाद केस में कुछ नहीं बचता है, उसे डिक्री कहते हैं, राइट? तो डिक्री इज नथिंग बट द फाइनल ऑर्डर विच टर्मिनेट्स द केस, विच कंक्लूड्स द केस। इसीलिए अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि बेसिकली डिक्री भी एक तरीके की ऑर्डर है। सो बेसिक डिक्री इज एन ऑर्डर, बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री ना, राइट? तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस ऑर्डर विच इज इशूड बाय द कोर्ट इज एक्चुअली अ डिक्री एंड नॉट द ऑर्डर? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है वो एक फाइनल ऑर्डर है? तो उसकी कुछ कंडीशंस है। दिसंबर 20 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने एसेंशियल कंडीशंस पूछे कि डिक्री को कैसे पहचाना जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये डिक्री है। तो एनी ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज डिक्री उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन होना चाहिए, मतलब बेसिकली वो फाइनल नेचर का होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन मीन्स एन एक्सप्रेशन इशूड बाई द कोर्ट फॉर्मली विच एडजुडिकेट्स द केस, विच एडजुडिकेट्स मीन्स विच डिसाइड्स द केस, राइट? विच शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, विच शुड डिसाइड द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। डिक्री अक्सर ये बताता है कि कौन लाइबल है, किसकी लाइबिलिटी है और किसके राइट्स अफेक्ट हुए। सो डिक्री ऑल्सो डिटरमाइंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो कोर्ट बताएगा कि किसके राइट्स अफेक्ट हुए और कौन लाइबल है, तो ये जो डिटर्मिनेशन है कोर्ट का, ये जो कोर्ट की डिसीजन होगी, ये डिसीजन उन इश्यूज को लेकर होगी जो इश्यूज केस के अंदर है, उन कंट्रोवर्सीज को लेकर होगी जो कंट्रोवर्सीज केस के अंदर है, राइट? सो बेसिकली विथ रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब इशूज इन रिलेटेड टू सूट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम डिक्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं और ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। अगर कोई मुझे सिंपल भाषा में कहेगा कि सर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया डिक्री और ऑर्डर, आप डिफरेंशिएट करके दो ना सर, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलो, डिक्री सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, ऑर्डर 2 सबसेक्शन 14। डिक्री इज अ फाइनल ऑर्डर, ऑर्डर इज जस्ट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट फाइनल, राइट? डिक्री डिटरमाइन राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑर्डर डिटरमाइन डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। एक पूरे केस में एक ही डिक्री होगी और एक पूरे केस में कितने भी ऑर्डर हो सकते हैं। डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। 5 पॉइंट्स मैंने बता दी तुमको, दोनों के बीच के फर्क। डिग्री कंक्लूसिव होता है, ऑर्डर कंक्लूसिव नहीं होता। 6 पॉइंट मैंने बता दी तुमको, इंस्टीट्यूट 5-5 से ज्यादा नहीं पूछता और तुम 5-6 पॉइंट ये लिख सकते हो, राइट? तो सर फिर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है जिससे केस कंक्लूड नहीं होता, जिससे राइट्स लाइबिलिटीज डिटरमाइन नहीं होते, जो फाइनल नेचर का नहीं है, जिसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता हूं मैं। बट सर हमने सुना था कि डिक्री की भी दो कैटेगरीज होती है, लाइक डिक्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। यस, तो सर फिर इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इफ अगर इंस्टीट्यूट ने डिस्टिंग्विश पूछ लिया कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या फर्क है? तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में फर्क है उसको 2 मिनट साइड में रखते हैं। पहले इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? देखो, प्रिलिमिनरी हो या फाइनल हो, दोनों भी है तो डिक्री। प्रिलिमिनरी हो या फाइनल हो, दोनों भी है तो डिक्री। और अगर डिक्री है तो मतलब दोनों में डिक्री के फीचर्स तो रहेंगे। कौन से फीचर्स? फॉर्मल एडजुडिकेशन वाला, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन विच एडजुडिकेट्स द केस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइन करना, कंक्लूसिव नेचर का होना, अपील करना, तो ये दोनों में भी रहेंगे। मतलब प्रीमियर डिग्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है, यस। क्या प्रीमियर डिग्री भी कंक्लूसिव है? यस। क्या प्रीमियर डिग्री भी राइट्स लाइबिलिटीज डिटरमाइन करती है? यस। सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फाइनल डिग्री एंड प्रीमियर डिग्री? द फीचर्स ऑफ डिग्री। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियर डिग्री एंड फाइनल डिग्री, वो देखते हैं। प्रीमियर डिग्री जो है वो इश्यूज को सॉल्व करती है। अब एक जब केस कोर्ट के पास चलकर आता है तो उसमें सेट ऑफ इश्यूज होते हैं, कोर्ट एक सेट ऑफ इश्यूज को फ्रेम करता है। तो जब उन इश्यूज में से कुछ इश्यूज को सॉल्व किया है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन का केस है, तो इशू है कि बच्चा किसके साथ रहेगा, मतलब उनके बीच में अगर कोई बच्चा है तो वो उसकी कस्टडी किससे मिलेगी, ये इशू है।
हस्बैंड को क्या शादी के बाद भी वाइफ को कुछ मेंटेनेंस पे करना है, एल्युमिनी पे करनी है, और अगर करनी है तो वो कितनी रहेगी? अगर हस्बैंड एंड वाइफ को जॉइंट इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा सेपरेशन के बाद? अगर उनके नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी तो उस जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या होगा? सो इन इश्यूज, इन कॉन्ट्रोवर्सीज पे जजमेंट आना बाकी है, इस पे फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। तो मान लो अगर कोर्ट पहला इशू सॉल्व करता है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो मम्मी को जाएगी, वो मदर को जाएगी, राइट? तो अगर ये कोर्ट का डिसीजन आता है, इससे पूरा केस सॉल्व हो गया क्या? नहीं। बट इससे वो कस्टडी का इशू सॉल्व हुआ क्या? हाँ। तो जो कस्टडी के इशू पे डिसीजन आया, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर मान लो कोर्ट ने डिसाइड किया कि एल्युमिनी देनी है कि नहीं देनी है। कोर्ट ने डिसाइड किया कि एल्युमिनी की कोई जरूरत नहीं है, मदर वैसे भी इंडिपेंडेंट है, उनकी खुद की रिस्पेक्टिव जॉब है, तो फिर कुछ मेंटेनेंस या एल्युमिनी का क्वेश्चन ही नहीं आता। दूसरा इशू सॉल्व, क्या पूरा केस खत्म हुआ? नहीं। बट क्या वो इशू खत्म हुआ? हाँ। तो उस पर जो डिसीजन आया वो क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री। सो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या करता है? इशूज को सॉल्व करता है। जब सारे इशूज सॉल्व होते हैं तब जाके फाइनल डिक्री आती है, समझा? इसीलिए तो कहते हैं कि फाइनल डिक्री डिपेंड्स अपॉन प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री सेज व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन, फाइनल डिक्री सेज दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट कंक्लूजन ऑफ द केस। इन केस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री फर्दर इशूज आर स्टिल पेंडिंग, इन केस ऑफ फाइनल डिक्री नो फर्दर इशूज आर पेंडिंग। ये भी डिस्टिंग्विश आया, तो तीन पॉइंट तो आराम से तुम लिख ही सकते हो, राइट? तो मैंने डिक्री बता दिया, एसेंशियल्स ऑफ डिक्री बता दिया। डिक्री इज अ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स, मतलब प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री का डिस्टिंग्विश बता दिया। ऑर्डर किसे कहते हैं मैंने तुमको वो बता दिया। जिसके फेवर में डिक्री इशू हो उसे डिक्री होल्डर कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट डिक्री इशू हो उसे जजमेंट डेटर कहते हैं। A person in whose favor the decree or decision is passed by the court is called as decree holder, and the person against whom decree or decision is issued by the court is called as judgment debtor, right? तो सर जजमेंट क्या होता है और जजमेंट डिक्री में क्या फ़र्क है? जजमेंट बेसिकली क्या होता है? जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है कोर्ट का, जज का, जो दिया जाता है डिक्री और ऑर्डर्स के बेसिस पे। जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाई अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। मतलब सर जजमेंट इज अ रीजनिंग पार्ट, इफ डिक्री इज अ परफॉर्मिंग पार्ट। अगर कोर्ट डिक्री में इशू करता है दैट वन पार्टी हैज टू पे 5 lakh rupees टू द अदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वन पार्टी हैज टू पे 5 lakh rupees टू द अदर पार्टी, इस व्हाई का पार्ट जो है वो जजमेंट में लिखा जाता है। जजमेंट रीजंस बताता है कि ये डिक्री क्यों पास की गई है, इसीलिए तो डिक्री एंड जजमेंट हैंड इन हैंड जाते हैं। जब आप जजमेंट शीट देखोगे तो उसका आखिरी कॉपी जो होता है, आखिरी शीट जो होता है, वो डिक्री शीट होता है जिसमें परफॉर्मिंग पार्ट रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि डिक्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, डिक्री बिकम्स इफेक्टिव एज सून एज द जजमेंट इज पास्ड, एज सून एज द जजमेंट इज पास्ड तब जाके डिक्री इफेक्टिव बनती है। कि अगर कोर्ट बोलता है कि तुम्हें ये करना है, तो ये करना है इज अ डिक्री पार्ट, बट ये क्यों करना है इज अ जजमेंट पार्ट। सो जजमेंट डील्स विद द रीजनिंग पार्ट ऑफ डिक्री, and decree is a performing part, right? So judgment comprises of legal justifications, judgment comprises of legal reasons, judgment comprises of legal grounds that why that particular decree is passed, samjha? So judgment reasoning part hai. But sir kisi bhi order ke against appeal nahi hoti, generally order ke against appeal nahi hoti hai, but kuch exceptional cases mein hum order ke against bhi appeal kar sakte hain, और उन एक्सेप्शनल केसेस को सेक्शन 104 बोले तो अपीलेबल ऑर्डर बोला जाता है। व्हाट इज अपीलेबल ऑर्डर? अपीलेबल ऑर्डर इज नथिंग बट एन ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैन बी मेड। अब ये क्या हो सकता है? हो सकता है कोर्ट अनरीजनेबल कॉम्पेंसेशन पे करने को बोले उस मैटर में जो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कोर्ट तुम्हें कुछ कॉम्पेंसेशन पे करने को बोले किसी फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट। हो सकता है कोर्ट तुम्हारे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाले। हो सकता है कोर्ट तुम्हें पुलिस कस्टडी में रखने को बोले। हो सकता है कोर्ट तुम्हारे अगेंस्ट टेम्पररी इंजंक्शन इशू करे। हो सकता है कोर्ट तुम्हारा केस एंटरटेन करने से मना करे सेक्शन 91-92 के अंदर। तो ऐसे सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट, अनरीजनेबल कॉम्पेंसेशन अमाउंट, पब्लिक कस्टडी ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर, रिफ्यूजल टू इनिशिएट द केस, इन सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट तुम चाहो तो अपील कर सकते हो। जनरली अपीलेबल ऑर्डर्स 5 categories में डिवाइड होता है, और उन 5 categories के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज याद रखना, अपीलेबल ऑर्डर में आए हुए डिसीजन के अगेंस्ट फर्दर अपील होता है क्या? नहीं। नो अपील लाइज
फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन. अपीलेबल ऑर्डर में आए हुए डिसीजन पे कोई भी फर्दर अपील नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बाबा वो अपीलेबल ऑर्डर है, वो डिक्री नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शनल ऑर्डर है जहाँ अपील करने की चांस है. होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, आप सिर्फ अपील कर सकते हो, और वो भी एक बार अपील, हाई उसके ऊपर वाली अथॉरिटी को अपील कर सकते हो. फिर फर्दर अपील कर सकते हो नहीं, अगर फर्दर अपील करने दिया तो फिर डिक्री और अपीलेबल ऑर्डर में फ़र्क नहीं बचेगा, मतलब वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो अपीलेबल ऑर्डर में आपको सिर्फ अपील करने मिलता है एक बार, और वो भी कुछ 5 एक्सेप्शनल केसेस में, राइट. इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स बेसिकली टेम्पररी ऑर्डर्स जैसे रहता है. नेक्स्ट आता है ऑर्डर वर्सेस डिक्री का डिफरेंशिएशन हम लोग ने कर लिया. सेक्शन 3 कोर्ट का स्ट्रक्चर, सिविल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर बताता है, और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. सबसे पहले आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर लोअर कोर्ट्स, इन्फीरियर लेवल कोर्ट्स, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट का स्ट्रक्चर है. सर एग्जाम में आता है? नहीं. इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट्स, राइट. सो सेक्शन 3 डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट्स. और सर अगर आई आर वी सपोज टू ड्रॉ दिस हायरार्की, आई वुड सजेस्ट नो. इट वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड इट वुड लुक डिसेंट इफ यू राइट इट डाउन इन अ पैराग्राफ फॉर्म. थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा डिसेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड करेगा, इंस्टेड ऑफ ये हायरार्की बनाना, राइट. क्योंकि हायरार्की मैंने जो बनाई है, आपने जो समझी है, वो आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है. वो इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है कि आपकी हायरार्की को वैसे समझेगा. तो एक्सप्लेनेशन लिखना ज़्यादा अच्छा होता है. जैसे हाई कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज लोअर कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट. तो ये थोड़ा पैराग्राफ बन जाता है तो ज़्यादा डिसेंट साउंड होता है, राइट. अब इस क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूँ काफ़ी सारे अटेम्प्ट से कि अब इंस्टीट्यूट ज्यूरिसडिक्शन पर टॉपिक पूछेगा, अब इंस्टीट्यूट ज्यूरिसडिक्शन पर टॉपिक पूछा, बट पूछा ही नहीं. बट मुझे लगता है कि June 21 एग्जाम में, आपके आने वाले पेपर में, इंस्टीट्यूट 8 मार्क के लिए या तो एटलीस्ट 5 मार्क के लिए ज्यूरिसडिक्शन पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है. क्या होता है ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन एक अथॉरिटी, एक लिमिट होती है कोर्ट की, जिसके अंदर रहकर कोर्ट केसेस को सॉल्व करता है. वैसे ये ज्यूरिसडिक्शन कौन इम्पोज करता है? तो ये ज्यूरिसडिक्शन इम्पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर्ड. ये ज्यूरिसडिक्शन इम्पोज करता है स्टैट्यूट, बाय लॉ. ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इम्पोज करता है कमिटी बनाकर. वॉट इफ अगर सर ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन ही नहीं किया हो, तो हम ऐसे सारे ज्यूरिसडिक्शन को अनलिमिटेड कहते हैं. ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है: सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन, पिक्यूनरी. पिक्यूनरी, पर्सन, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, एक एक करके करेंगे. सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन स्टैट्यूट, लॉ इम्पोज करता है, जिसका मतलब ये है कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स को डिसाइड करेगा जो उनकी लिमिट में फॉल होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल CPC 1908 जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसके हिसाब से सारे सिविल केसेस के जो सारे सिविल सब्जेक्ट मैटर्स है, ये कौन देखेगा? सिविल कोर्ट देखेगा. CRPC 1973 के हिसाब से जो भी क्राइम और क्रिमिनल मैटर्स है, वो कौन देखेगा? वो क्रिमिनल कोर्ट देखेगा. तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन. कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारे कंपनीज एक्ट के वायोलेशंस, कंपनीज एक्ट के नॉन कंप्लायंसेस NCLT देखेगा. तो इसे सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब अगर एक स्पेसिफिक एरिया का मैटर है, तो उस एरिया में जो भी कोर्ट है, वो कोर्ट उस एरिया के मैटर्स देखेगा. सारे डिस्ट्रिक्ट मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा, सारे लोकल लेवल मैटर्स लोकल कोर्ट देखेगा. फिर आता है ज्यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, कोई भी रहने दो, नेशनलिटी मैटर नहीं करती, कोई भी रहने दो, अगर वो पर्सन इंडिया में है और अगर वो लॉ ऑफ लैंड का वायोलेशन करता है, अगर इंडियन लॉज का वो वायोलेशन करता है, तो दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू चार्ज बाय इंडियन कोर्ट्स. इंडियन कोर्ट्स हैव अथॉरिटी, इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू चार्ज एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी. हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन रूलर, फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह, बट उनके ऊपर भी हम चाहे तो ज्यूरिसडिक्शन इम्पोज करवा सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल मिल जाती है तो, राइट. फिर आता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो स्टैट्यूट इम्पोज करता है, जो कहता है कि पिक्यूनरी मीन्स मनी वैल्यू. सेक्शन 6 जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, मनी वैल्यू ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं सूट्स को एंटरटेन करेगा जिन सूट्स का वैल्यू उसकी लिमिट में आता हो. कोर्ट उन मैटर्स को एंटरटेन नहीं करेगा जिन मैटर्स का पिक्यूनरी वैल्यू उसकी लिमिट के बाहर है. बट मजे की बात क्या है, एक फन फैक्ट क्या है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वैसे भी अनलिमिटेड है. मतलब
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। तो सर फिर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आया किस पे? वो सिर्फ लोअर कोर्ट्स पे आ जाता है। अब वो कितना है सर, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। मेरे एरिया के लोअर कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा, आपके एरिया के लोअर कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा। हाँ, बट ये पॉइंट क्या कहने की कोशिश करता है कि आपका जो भी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, आप उसी के अंदर ही रहकर केस को एंटरटेन करोगे, राइट? नेक्स्ट आता है ज्यूरिसडिक्शन जो पार के बेसिस पे क्लासिफाई होता है तीन कैटेगरीज में, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल प्लस एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वो ज्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट, उन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन जो केसेस को पहली बार एंटरटेन करता है, वो कोर्ट्स जहाँ पर सबसे पहले केसेस फाइल होते हैं, वो कोर्ट्स जहाँ फ्रेश ओरिजिनल सूट्स फाइल होता है, तो उनके पास जो ज्यूरिसडिक्शन होती है उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जनरली इंडिया में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया में सारे मैटर्स लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट जाते हैं, तो इंडिया में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनका जो ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट आता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, वो कोर्ट्स जो अपील सुनते हैं उसे एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जैसे अभी सिक्योरिटीज लॉ के मैटर में जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो सेबी हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सैट हो गया एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, कंपनीज एक्ट 2013 के वायोलेशन में एनसीएलटी हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एनसीएलटी हो गया एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, राइट? बट इंडिया में कुछ ऐसे भी कोर्ट्स हैं जो ओरिजिनल मैटर भी एंटरटेन करता है और अपील भी एंटरटेन करता है, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब आर्टिकल 226 और 32 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो डायरेक्टली रिट जाती है, आर्टिकल 32 की रिट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 226 की रिट डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास। तो वहाँ पर अगर डायरेक्टली मैटर पिटीशन अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो ये तो ऑब्वियस हो जाता है कि इनका ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल हो गया, और अपील तो वैसे भी इनको हायरार्की के थ्रू आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अपील इनके पास जा ही रही है, तो इसीलिए इनके पास ओरिजिनल प्लस एपिलेट है। कुछ कुछ एरियाज है इंडिया में जहाँ लोअर कोर्ट होता ही नहीं है, जहाँ मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑटोमेटिकली ओरिजिनल आ जाता है, और अगर लोअर कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फिर एपिलेट आ जाता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के पास ओरिजिनल प्लस एपिलेट दोनों भी ज्यूरिसडिक्शन है, समझा? सेक्शन 9 कहता है कि इंडिया में सारे सिविल मैटर सिविल कोर्ट देखेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया हो। एक्सप्रेस बार जो है वो पार्लियामेंट लगाता है, और इम्प्लाइड बार जो है वो लॉ लगाता है। मान लो अगर पार्लियामेंट कहता है कि ये पर्टिकुलर केस भले ही सिविल नेचर का है बट सिविल कोर्ट नहीं देखेगा, सीबीआई देखेगा, तो वो सीबीआई देखेगा, इसको कहते हैं एक्सप्रेस बार। अब इम्प्लाइड बार क्या होता है, वो लॉ लगाता है, वो स्टैट्यूट लगाता है। मतलब मान लो अगर लॉ कहता है कि ये जैसे कंपनीज एक्ट का मैटर जो सिविल नेचर का है, उसके बाद भी वो एनसीएलटी देखता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑल कंपनीज एक्ट वायोलेशन मैटर्स शैल बी एडजुडिकेटेड बाय एनसीएलटी, तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या निकलता है? दैट इट शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड बाय सिविल कोर्ट्स। इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, अगर उसके लिए इकोनॉमिक कोर्ट्स बना के रखा है जो है सिविल नेचर के, बट तो भी सिविल कोर्ट नहीं देखता है, क्यों? बिकॉज लॉ मना करता है। कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर फोरम के बाद जाते हैं, सिविल मैटर होने के बाद भी सिविल कोर्ट नहीं एंटरटेन करता, क्यों? क्योंकि इम्प्लाइडली मना है, लॉ मना करता है, समझा? तो ये सेक्शन 9 का एक छोटा सा आप शॉर्ट नोट नोट बनाकर आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर आपके मॉड्यूल में भी है। फिर आता है सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ चुका है, दो बार पूछ चुका है सेपरेट सेक्शन में भी और डिस्टिंग्विश के नाम पर भी, कौन सा सेक्शन 10 और सेक्शन 11, रेस सबजुडाइज और रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइज और रेस जुडिकाटा। व्हाट इज रेस सबजुडाइज? स्टे ऑफ सूट। व्हाट इज रेस जुडिकाटा? बार ऑन सूट। दोनों के बीच का फर्क क्या? रेस सबजुडाइज कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई मैटर किसी इंडियन कोर्ट में चल रहा है, दो लोगों के बीच में अगर कोई मैटर किसी इंडियन कोर्ट में चल रहा है, तो फिर उस केस में वो सेम मैटर उन दो लोगों के बीच में कोई भी और इंडियन कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, ना वो कोर्ट ना कोई और कोर्ट एंटरटेन करेगा, क्यों? बिकॉज अगर कोई और कोर्ट एंटरटेन करता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों के अलग अलग डिसीजंस आ जाए, तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन को रोकने के लिए ये सेक्शन बनाया है। ये सेक्शन कहता है कि इफ एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट बिटवीन टू पार्टीज रिलेटेड टू एनी कॉज ऑफ एक्शन, देन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शुड नॉट बी एंटरटेन बाई एनी अदर कोर्ट, राइट? एंड वॉट दैट अदर कोर्ट विल डू इफ इनकेस केस कर दिया, तो मान लो अगर दोनों पार्टीज में से एक सरफिरा निकला और उसने दूसरे कोर्ट में जाके केस कर दिया, तो दूसरा कोर्ट क्या करेगा? उस पर स्टे लगा देगा। सेक्शन 10 बोलता है
stay of suit with suit the previous one की subsequent one, obviously the subsequent one जो फॉइल हो चुका है और पेंडिंग है तो उसे रहने दो. बट अगर वही सेम केस दोनों में से किसी पार्टी ने फिर से फाइल कर दिया, सेम कॉज ऑफ एक्शन को फिर से फाइल कर दिया, तो दूसरा कोर्ट उस पर स्टे लगा देगा. अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये स्टे कब तक लगेगा सर? सेक्शन 10 में जो स्टे लगाया जाता है, ये स्टे कब तक लगेगा? तो ये स्टे लगेगा जब तक पहला केस डिसाइड नहीं हो जाता. जब तक फर्स्ट केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक सेकेंड केस पर स्टे लगा रहेगा. और जैसे ही फर्स्ट केस डिसाइड होगा तो सर फिर क्या करेंगे, सेकेंड केस का क्या करेंगे? तो उस पर स्टे हटा के उसको बार कर देंगे सेक्शन 11 के हिसाब से. सेक्शन 11 बार ऑन सूट की बात करता है. सेक्शन 11 बोलता है कि जब एक केस ऑलरेडी दो लोगों के बीच में किसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर डिसाइड हो चुका है. सेक्शन 10 में पेंडिंग था, 11 डिसाइडेड केस की बात करता है. 11 कहता है कि इफ एनी मैटर बिटवीन टू पार्टीज इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट, देन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज शुड नॉट बी अगेन डिसाइडेड बाय एनी अदर कोर्ट. टाइम वेस्ट हो जाएगा ना यार, मतलब क्या ही मतलब हो गया कि एक डिसाइडेड केस फिर से कोई और कोर्ट सुन रहा है. दिस दो चीज़ें आती है, एक तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, दूसरा एक कोर्ट दूसरे कोर्ट की डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा. सेक्शन 11 अपील करने से नहीं रोक रहा है तुम्हें. सेक्शन 11 डज नॉट प्रोहिबिट द पार्टीज फ्रॉम फाइलिंग अपील और रिव्यू और रिविजन और एनी अदर ऑल्टरनेटिव रिलीफ. बट सेक्शन 11 तुम्हें किस चीज़ से रोक रहा है? सेम केस को फ्रेशली फाइल करने से रोक रहा है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है. इसीलिए सेक्शन 11 कहता है द रेस विच इज वंस एडजुडिकेटेड शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड अगेन. जुडिकाटा मतलब क्या? एडजुडिकेटेड. रेस मीन्स क्या? सूट. सूट विच इज वंस एडजुडिकेटेड शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड अगेन. रिपीटेशन ऑफ केसेस को जो है, मल्टीपल केसेस को उस पर बार लगाने का काम सेक्शन 11 करता है. दोनों में फर्क क्या है? 10 पेंडिंग केसेस के साथ, 10 पेंडिंग केसेस के साथ डील करता है, 11 डिसाइडेड केसेस के साथ डील करता है. 10 सूट पे जो सेकेंड सूट फाइल हो उस पर स्टे लगाता है, 11 उस पर बार लगाता है. सेक्शन 10 रेस सब जुडाइज है, सेक्शन 11 रेस जुडी काटा है. 10 स्टे ऑफ सूट की बात करता है, 11 बार ऑन सूट की बात करता है. इसकी चार कंडीशंस है, इसकी चार कंडीशंस है, याद रखना. ये डिस्टिंग्विश में आकर गया है. ये था सेक्शन 10 और 11, सेक्शन 10 और सेक्शन 11. इसके बीच में आपका आ जाता है प्लेस ऑफ सुइंग. व्हाट इज प्लेस ऑफ सुइंग? प्लेस ऑफ सुइंग मींस प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, कि केस कहाँ जाएगा. डिपेंड करता है कि केस क्या है. नेचर ऑफ केस डिसाइड करेगा कि प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट कहाँ होगा. वेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाता है कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, नेचर ऑफ डिस्प्यूट को लेकर. जैसे जैसे अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो मैटर उस कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 16 में लिखा हुआ है. सेक्शन 15 टू 20 जो है वो प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट की बात करता है, जिसमें सेक्शन 16 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर डिस्प्यूट हुआ है उसकी बात करता है. सेक्शन 16 बहुत सीधी बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर झगड़ा हुआ है तो मैटर कहाँ जाएगा? मैटर उस कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो दो कोर्ट्स आते हैं, तो मैटर कहाँ जाएगा? मैटर किसी भी कोर्ट में तुम लेकर जा सकते हो, प्रोवाइडेड 100% वैल्यू ऑफ केस तुम फाइल करोगे. जो भी कोर्ट तुम्हारे केस को 100% एंटरटेन करेगा तुम वहाँ जाओगे. सेक्शन 18 बोलता है कि अगर जुरिस्डिक्शन ही अनसर्टन, प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक कोई कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट ही नहीं दिखता दूर दूर तक, तो मैटर कहाँ लेकर जाएंगे? तो फिर मैटर आप नियरेस्ट कोर्ट में लेकर जाओ. नियरेस्ट कोर्ट मतलब कैसे पता चलेगा? किलोमीटर्स के बेसिस पे. जो भी कोर्ट तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर नियरेस्ट है आप वहाँ लेकर जाओ. वहाँ पे एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करो कि सर क्योंकि प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन अनसर्टन है और आपका कोर्ट नियरेस्ट कोर्ट था, सो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम ये केस यहाँ फाइल करते हैं. जैसे गोवा में हाई कोर्ट नहीं है तो सारे वहाँ के मैटर्स बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं. यहाँ पे बेंच बना के रखा है, औरंगाबाद बेंच सेट करके रखा है, तो वो मैटर्स इधर ही फाइल हो जाते हैं, राइट? सो वो जुरिस्डिक्शन अगर अनसर्टन हो तो नियरेस्ट कोर्ट में चले जाओ. एक ही प्रॉपर्टी दो दो कोर्ट्स में आती है तो किधर भी चले जाओ, बट 100% वैल्यू होना चाहिए. सेक्शन 19 कहता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टियाँ किसी पर्सन के साथ गलत हुआ तो क्या करेंगे? तो मैटर उस कोर्ट में फाइल करो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में या तो कॉज ऑफ एक्शन हुआ, मतलब रॉन्गफुल एक्टिविटी हुई, या तो डिफेंडेंट रहता है, या फिर डिफेंडेंट का प्लेस ऑफ प्रॉफिट है. सर नहीं समझा. अरे बाबा, सेक्शन 19 कहता है कि अगर रॉन्ग इज कमिटेड विद अ पर्सन और इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरी चोरी हो गई या किसी ने मेरे को डिफेम किया,
तो मैं केस किसके अगेंस्ट करूंगा और कहाँ करूंगा? तो मैं केस करूंगा उस कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो रॉन्गफुल एक्टिविटी हुई, या जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट का बिजनेस है, समझा? अदर केसेस जो सेक्शन 20 में आता है, अदर सूट्स, अब अदर केसेस भी सेम डिपेंड करता है कि मैटर कौन सी कोर्ट में जाएगा। तो मैटर उस कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो कॉज अराइज हुआ, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट का बिजनेस है, राइट? सो ये वहाँ आ जाएगा। सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट का लेकर मामला हो तो, मान लो इफ सूट इज रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो मैटर विल बी फाइल्ड इन सच कोर्ट विद इन हुज जुरिसडिक्शन दैट कॉर्पोरेट्स, दैट बॉडी कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, या फिर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या? तो इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी, इट शिल बी डीम टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑन इट सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, और इन केस ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन एनी अदर प्लेस, इट सबॉर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। इसका मतलब क्या? बेसिकली अगर मुझे समझो किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस करना है, तो सर वो तो NCLT के पास जाते हैं ना, अरे बाबा मैं सिविल एक्शन की फाइल बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का केस है उसमें कंपनीज एक्ट कहाँ से आया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है कंपनीज एक्ट कहाँ से आया, राइट? तो मैं एक सिविल लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में अगर मैं कहाँ केस फाइल करूँगा अगर मुझे कंपनी के अगेंस्ट केस करना है, तो मैं मैटर उस कोर्ट में फाइल करूँगा जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में उस कंपनी का ROC आता है, या प्रिंसिपल ऑफिस आता है, या फिर सबॉर्डिनेट ऑफिस आता है। मैं इन तीनों में से कहीं पर भी, कहीं भी या किसी भी कोर्ट में केस कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज रिलेटेड टू सूट रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट। फिर ये आपका रेस जुडिकाटा मैंने बता दिया था। सर टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टेम्पररी इंजंक्शन? तो टेम्पररी इंजंक्शन जो है उसके प्रोविजंस हम लोग ने CPC में ही पढ़ने, टेम्पररी इंजंक्शन के प्रोविजंस जो है Order 39 में दिए हुए हैं। Order 39 टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है। व्हाट डू मीन बाय टेम्पररी इंजंक्शन? अगर प्लेंटिफ ये एंटिसिपेट कर रहा है कि जो डिस्प्यूटिंग प्रॉपर्टी है उस डिस्प्यूटिंग प्रॉपर्टी पे डिफेंडेंट किसी भी तरीके का एक्शन कर सकता है, किसी भी तरीके का डैमेज या थ्रेट कर सकता है, तो प्लेंटिफ कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता डिस्प्यूटिंग प्रॉपर्टी को लेकर, एटलीस्ट तब तक आप एक टेम्पररी इंजंक्शन दे दो, क्योंकि उससे मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। सो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव टू द कोर्ट विद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स बाई सबमिटिंग द फैक्ट्स थ्रू एन एफिडेविट दैट इफ इन केस अ टेम्पररी इंजंक्शन इज नॉट इम्पोस्ड ही मे सफर अ लॉस, ही मे सफर अ डैमेज, राइट? सो देयरफॉर अगर ऐसा वो करता है तो फिर उस केस में, और अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ सही बोल रहा है, तो उस केस में कोर्ट डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने से रोक सकता है कुछ पीरियड के लिए, या एटलीस्ट जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक के लिए, राइट? फिर आपका आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये नॉर्मल सब इसको आप रीड कर सकते हो, CPC सूट जो फाइल करते हैं सिविल कोर्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर, राइट? ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। पहले हम प्लेन फाइल करते हैं, प्लेन फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करता है, समन भेजता है। समन मिलने के बाद डिफेंडेंट का काम है अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना 30 डेज के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 90 डेज के अंदर। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद कोर्ट डेट ऑफ हियरिंग देता है। डेट ऑफ हियरिंग के दिन पर दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, नहीं प्रेजेंट हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग है। दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट होने के बाद पहले पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन और ब्रीफिंग ऑफ केस होता है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ एंड विटनेसेस होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है, और उसके बाद जजमेंट आती है। तो ये पूरा स्टेजेस है, राइट? इसका वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको डेमो लेक्चर के नाम पर कहीं पे स्टार्ट में दिख जाएगा, उसको ढूंढ के देख सकते हो, राइट? समन जो है, डिलीवरी ऑफ समन CPC CRPC के टू सर्टेन एक्सटेंट सेम है, तो हम लोग CRPC में उसको देखेंगे अच्छे से। डिफेंस में रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर रहा था, 30 डेज में फाइल होना चाहिए, नहीं तो भी मैक्सिमम 90 डेज में फाइल होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके डिफेंसिव नेचर के, उसका कॉपी आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अटैच करना है, अगर आपको चाहिए कि वो हियरिंग के दिन पर एविडेंस काउंट हो, क्योंकि अगर आप नहीं अटैच करोगे और हियरिंग के दिन पर डायरेक्टली लेकर आओगे तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिससे आप प्लेंटिफ की मेमोरी रिकॉल कराना चाहते हो, या वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में काम आते हैं, तो उनको अटैच नहीं भी किया तो भी चलेगा। दोनों पार्टीज अगर अपीयर हुए तो केस कोर्ट चालू करेगा, दोनों पार्टीज अगर अपीयर नहीं हुए तो केस वहीं डिसमिस हो जाएगा। प्लेंटिफ नहीं आया और डिफेंडेंट आया तो जनरली केस डिसमिस हो जाएगा,
डिफेंडेंट नहीं आया और प्लेंटिफ आया तो कोर्ट केस को प्रोसीड करके एक्स पार्टी डिग्री पास करेगा। एक्स पार्टी डिग्री पास करने के बाद डिफेंडेंट के पास चार रेमेडीज है एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट। क्या चार रेमेडीज है? वो चाहे तो अपील कर सकता है, वो चाहे तो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वो चाहे तो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करा सकता है। अगर उसको लगता है कि एक्स पार्टी डिग्री बाय फ्रॉड आई है तो छोड़ो ऊपर की तीनों रेमेडीज, वो डायरेक्टली चाहे तो सूट फाइल कर सकता है। राइट, वो चाहे तो डायरेक्टली सूट फाइल कर सकता है। अब डिटेंशन प्रिवेंशन इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, अगर जिस सब्जेक्ट मैटर पे झगड़ा चालू है उसके रिलेटेड आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करके इंस्पेक्शन करवा सकते हो, उसके रिलेटेड आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करके उस सब्जेक्ट मैटर को डिटेन करवा सकते हो और कोर्ट के पास कस्टडी में रखवा सकते हो। उसके प्रोविजन सही है, अगर मान लो पैसे को लेकर झगड़ा है तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करके कंसिडरेशन अमाउंट है जो भी मनी है उसको आप एडवांस में डिपॉजिट करवा सकते हो। दोनों पार्टीज को फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो। राइट, डिस्कवरी इन इंटीग्रिटीज को मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसका एक आंसर फ्रेम करके डाला है तो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हो। डिस्कवरी दो तरीके की होती है, एक बाय डॉक्यूमेंट्स और एक बाय इंटरोगेशन। डिस्कवरी बाय इंटरोगेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ऐसी कोई चीज़ जो सामने वाली पार्टी के पास है और वो मुझे और मेरे केस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है तो मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करके वो चीज़ डिमांड करा सकता हूँ। राइट, अब मैं वो बाय इंटरोगेशन भी डिमांड करवा सकता हूँ या बाय इंस्पेक्शन भी डिमांड करा सकता हूँ। मतलब मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो मेरे लिए एविडेंस है और वो सामने वाला एडवर्सली यूज़ कर सकता है मेरे अगेंस्ट या छुपा सकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं वो एविडेंस कोर्ट पे सबमिट करूँ, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करो और वो डॉक्यूमेंट ला कर दो, या फिर आप इंटरोगेशन करो और उससे वो इन्फॉर्मेशन ला कर दो। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर सकता है अगर वो उसका खुद का एविडेंस है, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर सकता है अगर वो फिशी नेचर का है, तो ये सारी चीज़ों में वो मना कर सकता है। वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर सकता है अगर उसके लॉयर ने उसको मना किया है। राइट, सो ये डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स और डिस्कवरी बाय इंटरोगेशन है। ये दोनों चीज़ें अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछी है तो इसके आने के चांसेस है। अब मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने इसको प्रॉपरली एक आंसर में ड्राफ्ट किया है, आप उसको देख सकते हो। राइट, इश्यूज जो है वो कोर्ट दोनों पार्टीज़ के क्लेम्स और डिफेंसेस सबमिट होने के बाद निकाले जाते हैं, दोनों पार्टीज़ के एग्जामिनेशंस को सुनने के बाद इश्यूज़ निकाले जाते हैं, इंटरोगेशंस जब दोनों पार्टीज़ की हुई थी वहाँ से निकाले जाते हैं। बेसिकली इश्यूज़ फ्रेम करने का काम जो है वो कोर्ट करता है। इश्यूज़ होते क्या है? वही चीज़ें जो मैं अग्री कर रहा हूँ सामने वाला मना कर रहा है, वही चीज़ें जो एक पार्टी अग्री कर रहा है दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा है, उसी को ही तो इश्यूज़ कहते हैं और इन्हीं इश्यूज़ को तो कोर्ट सॉल्व करता है, इसी को ही एविडेंस एक्ट के हिसाब से फैक्ट इन इशू कहते हैं। बराबर, अपील ये सबसे काम की चीज़ है सर। अपील क्या होता है सर? अपील बेसिकली जब लोअर अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं होता तो हायर अथॉरिटी को अपील करते हो। अपील चार कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ओरिजिनल अपील, सेकेंड अपील, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपीलेबल ऑर्डर्स। ओरिजिनल अपील सेक्शन 96-99, सेकेंड अपील सेक्शन 100, अपीलेबल ऑर्डर्स 104, अपील टू सुप्रीम कोर्ट 109-112। क्या फ़र्क है सर इन चारों चीज़ों में? ओरिजिनल अपील बेसिकली आप लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में जाते हो, सेकेंड अपील आप हाई कोर्ट में जाते हो जहाँ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कब करते हो? जब हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तब, या फिर जब हाई कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है तब। तो बेसिकली तीन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है, व्हेन हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, व्हेन हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस एपिलेट जुरिस्डिक्शन, और व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन ग्रांट अ स्पेशल लीव पिटीशन, जब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल रिक्वेस्ट एंटरटेन करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपील वो सुन सकता है। तो इन तीन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आती है। हाई कोर्ट कौन से केसेस में अपील सुनता है? जहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। राइट, अपीलेबल ऑर्डर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। बहुत काम का टॉपिक है ये, अब तक नहीं आया, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राइट, देखो अपील टू, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, फिर सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तीन तरीके की अपील, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ पावर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल लीव टू अपील।
स्पेशल अपील, राइट। रेफरेंस टू हाई कोर्ट क्या होता है सर? अगर मान लो कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी केस में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डाउट पे है कि वेदर ये एविडेंस एडमिसिबल है क्या, या ये लॉ एप्लीकेबल है क्या, या ये प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या, तो फिर उस केस में पार्टीज को दिया वो कोर्ट डिसीजन देने के पहले वो मैटर रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को, उसी को रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहते हैं। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू इज री ओपनिंग ऑफ अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड पार्टी हैज़ टू अप्लाई टू द सेम कोर्ट, द कोर्ट हु हैज़ डिसाइडेड द केस, टू रिव्यू द केस अगेन when the party has discovered new evidences, when the party has discovered some new documents, when the party has discovered some error in the face of the document which was already submitted, or any other reason which court thinks fit. Next aata hai revision 115 113 114 115. Review revision ye already exam mein aakar gaya tha. Revision kya hota hai sir? What do you mean by revision sir? Revision is re-examination of case when there is a doubt of jurisdiction. जब jurisdiction question पे है, मतलब jurisdictional error है, जब subordinate court अपने jurisdiction के बाहर जाकर या jurisdiction को abuse कर कर या jurisdiction होने के बाद भी case entertain करने से मना करता है और appeal करने का कोई scope नहीं है, तो हम directly revision application file कर सकते हैं high court के पास, और high court अगर चाहे तो necessary basis पे उस दिए हुए decision को modify कर सकता है या पूरी तरीके से reverse भी कर सकता है। अपील और रिवीजन में क्या फ़र्क है? अपील करना आपका लीगल राइट है, रिवीजन आपका लीगल राइट नहीं है। अपील हायर अथॉरिटी को किया जाता है, रिवीजन हाई कोर्ट को किया जाता है। अपील के पीछे के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रिवीजन के पीछे का रीज़न ज्यूरिसडिक्शनल एरर होता है। अपील में आपके डिसीजन को रिवर्स नहीं किया जाता, बट रिवीजन में किया जाता है, राइट। सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, सो सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन में केस किसके नाम पर, प्लीडिंग्स किसके नाम पर फाइल होंगी? तो कंपनी सेक्रेटरी के नाम पर, किसी डायरेक्टर के नाम पर या प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पर। सूट का रिलेटेड जो समन आएगा, वो समन कहाँ आएगा? तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में आएगा कंपनी के, बराबर। किसके नाम पर आएगा? तो कंपनी सेक्रेटरी के नाम पर, डायरेक्टर के नाम पर या प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पर, क्लियर हुआ। कोर्ट अगर चाहे तो पर्सनल अटेंडेंस डिमांड कर सकता है इन लोगों का जिनके नाम पर समन इशू हुआ है, और इनको बुलाकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकता है। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, माइनर अ पर्सन हैज नॉट कंप्लीटेड 18 और 21 इयर्स ऑफ द एज, व्हाटएवर द केस मे बी। अगर माइनर प्लेंटिफ है तो फिर उसको खुद से केस कर सकता है कि सर? नहीं कर सकता। वो केस उसका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड फाइल करेगा, प्रोवाइडेड वो मेजर और साउंड होना चाहिए। अगर माइनर डिफेंडेंट है तो कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा जो कोर्ट को हेल्प करेगा उस केस के अंदर। माइनर अगर प्लेंटिफ है और वो मेजर हो जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो केस को डिसमिस कर दे, और अगर वो चाहता है कि उसे केस को कंटिन्यू करना है तो फिर उसको उसके फ्रेंड को सारे कोर्ट ऑब्लिगेशन से फ्री करना पड़ेगा, समझा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं एक ही बार में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवाते जा रहा हूँ। फिर आता है आपका समरी प्रोसीजर्स। समरी प्रोसीजर्स बेसिकली समरी मैटर्स होते हैं जहाँ डिफेंडेंट हैज़ अ लेस ऑप्शन टू डिफेंड, राइट। वो प्राइमा फेसी डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल ही लगता है, लाइबल ही लगता है, इसीलिए डिफेंडेंट के पास डिफेंस का भी टाइम नहीं होता। उसको डिमांड करना पड़ता तो उसको 10 दिन का डिफेंस का टाइम मिलता है। सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केसेस जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज या चेक का डिसऑनर होना, वो सारे के सारे समरीली सॉल्व होता है। समरी प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए जब केस समरी बेसिस पे फाइल होता है तो उसके हेडिंग के टाइटल में लिखा होता है कि ये ऑर्डर 37 के अंदर फाइल हुआ है और ये एक समरी सूट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर है, और इसीलिए इसको फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 ईयर है। ऑर्डिनरी सूट्स के लिमिटेशन पीरियड से कम है, ऑर्डिनरी सूट्स का लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स होता है। ऑर्डिनरी सूट्स में जो डिफेंस का टाइम होता है वो 30 डेज का होता है, मैक्सिमम 90 डेज का भी होता है, डिफेंस मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। बट समरी केसेस में जो डिफेंस का टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के लिए रहता है, राइट। फिर आता है आपको एक सेट ऑफ काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ का एक छोटा सा टॉपिक है। सेट ऑफ बेसिकली प्लेंटिफ के क्लेम को जब डिफेंडेंट के क्लेम्स के साथ एडजस्ट किया जाता है, उस एडजस्टमेंट जो कोर्ट एडजस्टमेंट करता है फर्स्ट हियरिंग में प्लेंटिफ के क्लेम को डिफेंडेंट के क्लेम के साथ, उसे सेट ऑफ कहता है। और जब डिफेंडेंट डिमांड करता है कि मेरे क्लेम को भी प्लेंटिफ के क्लेम के साथ एडजस्ट करो या मेरे क्लेम को प्लेंटिफ के क्लेम के साथ काउंटर करो, तो उसे काउंटर क्लेम करता है। काउंटर क्लेम इज बेसिकली अ प्ली, अ रिक्वेस्ट, एंड इफ दैट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड एंड अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स आर डन, दैट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ इज समथिंग वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन
is being took place where services are exchanged against services or where goods are exchanged against goods. तो उसे इक्विटेबल सेट ऑफ कहते हैं. इक्विटी जनरेट होती है वहाँ पर, किसी का भी नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब किसी का भी बेवजह का फ़ायदा नहीं हुआ और किसी का भी बेवजह का नुकसान नहीं हुआ, तो एक इक्विटी मेंटेन हो गई. मैंने अगर आपको कुछ सर्विसेज दी है, कोर्ट ने सामने से आपको ऑर्डर करके मेरे लिए कुछ सर्विसेज कराई और मेरी दी हुई सर्विसेज के अगेंस्ट आपने अगर कुछ परफॉर्म कर दिया तो फिटूस हो गया, टैली हो गया, बात खत्म हो गई. सो दैट इज़ समथिंग इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. ये एग्जाम में आकर गया काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ अभी तक नहीं आया, तो इसके आने के चांसेस है. दिस इज सीबीसी 1908. एक अच्छी स्पीड में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया. देखो ये वीडियो तुम्हें तभी काम आएगा जब तुम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो. दिस इज़ अ रिविजन वीडियो, राइट? सो इसका स्पीड होना बहुत ज़रूरी है और कम टाइम के अंदर मुझे तुम्हें सारी चीज़ें बतानी है, तो उसके लिए तो तुम्हें आई होप तुम्हें वीडियो समझा होगा और ये चैप्टर तुम्हें तुम्हारे रिविजन फॉर्मेट पे तुम्हें हेल्प किया रहेगा. विल बी मीटिंग सून अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर. प्रोबेबली हम लोग सीआरपीसी पे जंप करेंगे. अभी सिविल प्रोसीजर कोड के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ लेंगे.